आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, एक मिनट बोलूंगा, आप लोग शांत रहिए। मंच पर हमारे प्रदेश के सबसे बड़े बड़े नेतागण और हम लोगों के अगुआ माननीय शिवपाल जी बैठे हैं, इसलिए हम लोगों को भाषण बहुत नहीं देना है। और हमारे सारे नौ नौ बार के दुर्गा प्रसाद यादव, माया अखिलेश यादव और मानपुर के विधायक और राष्ट्रीय चुनावीस हैं और राम गोविंद चौधरी आठ बार के विधायक बैठे हुए हैं, मोहसिन साहब हमारे पुराने साथी हैं, सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ और देहाती सारे बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। मैं इनको इस धरती पर कर्मदूपुर की धरती पर कर्मगम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और केवल अपील करता हूँ, जो जो चीजें वहाँ हुई हैं, एक एक चीजें मुझे बुझवानी याद है, किस तरह का जुल्म आपके साथ हुआ। मैं गया और जुल्म को खत्म हो गया है, अब कोई जुल्मी और जालिम नहीं पड़ेगा घोषित है। इसलिए हमारा निवेदन है, एक थोड़ी सी मामले पर शाही लाइन जुट गई कि नहीं जुट गई, ना? और अत्याचारी भी चुप हो गए। 5 तारीख को ये कुछ है, शासन सत्ता के बल पर चाहते हैं कि चुनाव जीते। मॉरिशस का राष्ट्रपति मार्कोस राष्ट्रपति था रंगमंगल जी, और जब जनता ने उसको घेर लिया तो हेलीकॉप्टर से देश छोड़ करके भागना पड़ा, अपना देश ही छोड़ दिया। तो आप खामोश रह करके मतदान कल के लिए करिएगा, देखा झपकी देंगे, 12 बजे देंगे, 3 बजे देंगे, तो झपकियों से मत डरिएगा और फिर आकर के मतदान करिएगा। और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस नाते की 5 तारीख को जो मतदान होगा, 8 तारीख को जो गणना होगी तो घोषी की होगी, कि घोषी हारेगा आजम हारेगा। आप बीबीसी नंदराम को बोलेगा कि घोषी जीता आजमगढ़ हारा, जो भारत का कोई दल नहीं छोड़ा है, जो भारत के से कोई दल बाकी नहीं है जिस दल को धोखा न दिया हो। तो हमारे नेता बैठे हुए इनके सामने बोला अतिशयोक्ति होगी, हमारी अपील है, मैं नहीं रहूंगा, ये सब हम जाएंगे। 5 तारीख को दिशा बदल पकड़ करके पश्चिम की ओर भागेंगे सब, और फिर लौट के फिर इधर नहीं आएंगे। 5 तारीख को मतदान करिए, खामोशी से मतदान करिए, ये सब भाग जाएंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे। जो जो जुल्म रहा है, जो जो जुल्म करेगा, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, हम अकेले काफी हैं, अकेले काफी हैं। और उस दिन जब 5 तारीख को बक्सा भारी होगा, तो जितने भ्रष्ट लोग हैं 50% तो उसी दिन ट्रांसफर कराने का उपाय सोचेंगे। जनता का सही काम नहीं करेंगे उसको मैं ठीक कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए केवल 5 तारीख को वोट दीजिए, साइकिल को जिताइए। इसी तरह से 5 तारीख को जितनी खामोशी बरतनी उतनी बरतना चाहिए, और तू डंडा 4 घंटा लगभग कर दो खा लेना। अपने नेता के चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह के चुनाव में हम लोग बालेश्वर यादव को पीठ के संबंध कर दिए, लेकिन नेता हमारा जीता 1 लाख लोग सोचे क्या मुलायम सिंह जीत गए। आई शिवपाल उत्तर प्रदेश बड़े नेता है, नहीं जाएंगे 5 तारीख तक, किसी अगल बगल में डेरा रहेगा, जुल्म होगा। आप मतदान करिए, शांतिपूर्ण कर करिएगा, भीड़ मत लगाइएगा। आप चुनाव 50,000 से जीत रहे हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए चुनाव खराब हो जाए, तो हम 4 लाठी 2 लाठी बर्दाश्त कर लेंगे,
लेकिन मतदान को खराब नहीं होने देंगे। वो भला गए हैं सब, पागल हो गए हैं सब। किस नाते उनके पागल हुए पद पर आप ध्यान मत दीजिए, साइकिल पर मोहर लगाइए। कल का उसी आपका है, सब बारी भाग जाएंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय।